हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप इस वीडियो में आए होंगे तो आपको जानना होगा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने का प्रोसेस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या है, सीयूसीटी एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, क्या टेस्ट होगा, कैसे होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। बिल्कुल एंड तक वीडियो देखने का और वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज हो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सीयूसीटी बीएससी नर्सिंग के लिए सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद जैसे ही आप जाएंगे गूगल पे आपको जाना है, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सीयूसीटी। जैसे ही आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सीयूसीटी सर्च करेंगे यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पे आपको क्लिक करना है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सीयूसीटी के बारे में डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, वो 11 से 12 मिनट की वो वीडियो है जिसमें मैंने सीयूसीटी के बारे में सब कुछ बताया, जिसको बोलते हैं पार्ट 1। पार्ट 2 का मैंने वीडियो को बनाया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सीयूसीटी के लिए कैसे रजिस्टर करना है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, कितनी फीस होगी, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है, जैसे कि ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके बाद क्या क्या होगा, वो सारे स्टेप्स बताए हैं मैंने सेकंड पार्ट में। उसके बाद ये जो तीसरी वीडियो आप देख रहे हैं इसमें आपको जानने को मिल रहा है सिलेबस वगैरह, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कैसे। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रोग्राम एडमिशन थ्रू काउंसलिंग, मतलब कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ ही ऐसे प्रोग्राम है जिसमें एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होती है, सिर्फ एग्जाम देने से एडमिशन नहीं हो जाएगी। उनमें से एक प्रोग्राम है बीएससी नर्सिंग, देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग का यहाँ पे नाम है प्रोग्राम एडमिशन थ्रू काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप फॉर मोर डिटेल्स तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि काउंसलिंग से पहले आपको सीयूसीटी देना पड़ेगा, यस कंपलसरी है। उसके बाद आई हैव क्लियर्ड एडमिशन, ये वाले जो प्रोसेस है वो इतने होंगे। काउंसलिंग की कोई फीस है नहीं, काउंसलिंग की कोई फीस नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं जीरो फीस है काउंसलिंग की। सिर्फ आपको जब आपकी काउंसलिंग क्लियर हो जाएगी उसके बाद आपको फीस पे करनी पड़ेगी बस। वेयर कैन आई अप्लाई फॉर काउंसलिंग, आपको उसी वेबसाइट पोर्टल पे जहाँ पे आपका अकाउंट बनेगा वो सारी आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। अभी हम उन सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे। तो जैसे ही आप आएंगे वाई सीयूसीटी यहाँ पे आपका क्या आएगा, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, जो सबसे पहला प्रोसेस होगा बीएससी नर्सिंग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, वो क्या होगा कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा। कौन सा एग्जाम, सीयूसीटी एग्जाम, वो देना कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा। उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया वाई सीयूसीटी में जाओ, क्वेश्चन पेपर पैटर्न में जाओ और नीचे ऐसे स्क्रॉल करते जाओ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग, ये रहा बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग में जो आपका एग्जाम होगा वो कैसे होगा, आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा, जिस फिजिक मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग, ये आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं जिसके बेस पे आपका सीयूसीटी एग्जाम होगा। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन। केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन। बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन। इंग्लिश के कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन। और उसके बाद आपके इंग्लिश के आएंगे 20 क्वेश्चन, उसके बाद आएंगे आपके एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग के 20 क्वेश्चन, जिनमें से 20 में से आपके 10 क्वेश्चन होंगे QA के, जिसको बोलते हैं क्वांट, और जिस 10 क्वेश्चन होंगे आपके किसके, LR के, मतलब लॉजिकल रीजनिंग के। तो ये आपके कुछ 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से किस क्या होगा आपका सीयूसीटी एग्जाम होगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, जो आपका होगा 100 क्वेश्चन का आपका होगा, टोटल कितने क्वेश्चन हुए, जैसे आप देख सकते हैं 20 × 5 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का ही होगा। कितने मिनट का एग्जाम होगा, 120 मिनट्स का होगा, मतलब आपको 2 घंटे दिए जाएंगे 100 क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पे ऊपर मेंशन भी आपको दिखा देता हूँ, टाइम 120 मिनट्स, क्वेश्चन कितने होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग है, जी नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो भी मैंने अभी आपको सब्जेक्ट दिखाए, कौन कौन से दिखाए आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, बीएससी नर्सिंग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इनका सिलेबस कैसे देखेंगे, नीचे सिलेबस पे क्लिक करेंगे यार तो सीयूसीटी अगला क्वेश्चन आता है, सीयूसीटी एग्जाम का लेवल क्या होगा, यार बहुत ही इजी लेवल का एग्जाम होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी लेवल का एग्जाम होगा। तो जैसे हमने देखा था यहाँ पे केमिस्ट्री का आप सिलेबस देख सकते हैं, ये पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस है। अगर आपको बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर करना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सीयूसीटी एग्जाम के लिए तो बहुत ईजी है यार, सिर्फ अपना 12th का अच्छे से पढ़ लो और कुछ एक्स्ट्रा बुक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री का सिलेबस ये रहा, बायोलॉजी का ये रहा, इंग्लिश का ये रहा, उसके बाद आपके नीचे फिजिक्स का सिलेबस ये रहा, उसके बाद नीचे आप और जाएंगे तो आपको क्वांट और ये सब का ये रहा, क्वांट का और लॉजिकल रीजनिंग का। तो आप यहाँ से सारे सिलेबस देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं सीयूसीटी एग्जाम के लिए। तो अब अगला प्रोसेस आता है, जैसे ही आपका सीयूसीटी एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, अगर आप क्लियर करते हैं मिनिमम 30 मार्क्स लेने होंगे आपको सीयूसीटी एग्जाम में, एग्जाम क्लियर करने के लिए। अगर आपका सीयूसीटी एग्जाम क्लियर होता है तो आपका अगला प्रोसेस क्या होगा, काउंसलिंग, काउंसलिंग लेनी पड़ेगी आपको। काउंसलिंग में क्या होगा आपका, आपको यहाँ पे बता देता हूँ, नीचे आप आओगे तो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में होंगे, वेयर कैन आई, ये रहा आपका, ये रहा नीचे काउंसलिंग है। आपको काउंसलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, वेयर कैन आई अप्लाई फॉर काउंसलिंग, जैसे ही आपका
क्लियर हो जाएगा एग्जाम, जैसे यहाँ पे लिखा है ना एग्जाम क्लियर होती है आपको अपनी काउंसलिंग देनी पड़ेगी। आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो काउंसलिंग के लिए, जो आपने CUCET पे अपने वो बनाया होगा अकाउंट बनाया होगा जहाँ पे आपको लॉगिन पासवर्ड होगा, उसी अकाउंट में जाके आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर पाओगे। काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते ही आपको एक डेट एंड टाइम मिल जाएगा, जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी और अपना एक SOP सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही आपका रिजल्ट क्लियर होगा आपको उसी दिन रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी और अपना एक अपलोड क्या अपलोड करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP अपलोड करना पड़ेगा कि आपको SOP का मतलब क्या होता है, कि आप क्यों एडमिशन लेना चाहते हो, क्या आपके गोल्स रहेंगे, वो सब आपको SOP में डिफाइन करना है। वो भी नीचे आपको दिखा देता हूँ। नीचे ये रहा आपका कैन आई अपेयर फॉर काउंसलिंग डिपेंडिंग अपॉन द सीट अवेलेबिलिटी कैंडिडेट कैन, अगर आपका जो काउंसलिंग है वो क्लियर नहीं होती है तो आप दोबारा से काउंसलिंग दे सकते हैं अगर सीट अवेलेबल है। SOP क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, जिसमें से आप अपना कैरियर पाथ, इंटरेस्ट, प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, गोल ये सब लिखेंगे कि आप क्यों ले रहे हो, ये कोर्स क्यों करना चाहते हो, उसमें आपको लिखना है। काउंसलिंग SOP के बेस पे ही आप मतलब आपकी काउंसलिंग और ये सब सिलेक्ट होते हो आपकी, हाँ ये बच्चा अच्छे में करना चाहता है और इसका ये पर्पज है, इसके पास गोल है इस कोर्स को करने के लिए, तो ये कोर्स तब ऑफर किया जाता है। अपलोड SOP कहाँ पे अपलोड करनी है, आपको CUCET पोर्टल में ही अपलोड करनी है अपनी। तो जो आपकी ये काउंसलिंग है वो कैसे कंडक्ट होगी, ऑनलाइन मोड में होगी आपको। ये आप ये रहा मतलब ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। आफ्टर पेइंग रजिस्ट्रेशन फीस अपलोडिंग SOP यू विल गेट द नोटिफिकेशन अबाउट, मतलब जैसे ही आप फीस पे कर दोगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कहाँ पे होगी आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन ही होगी। ऑनलाइन में आपको सारा क्वेश्चन वगैरह वो पूछेंगे जो भी उससे रिलेटेड होगा। व्हाट विल हैपन इफ आई फेल टू सबमिट द फीस, आपको फीस जैसे ही आप अगर आप काउंसलिंग में सिलेक्ट होते हो आपकी एडमिशन हो जाती है तो विद इन 5 डेज रिजल्ट आते ही विद इन 5 डेज आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप 5 दिन के अंदर अंदर फीस पे नहीं कर पाते तो आपकी जो सीट है वो कंफर्म नहीं होगी, कोई और बच्चा होगा तो उसको वो सीट दे दी जाएगी, और उसके बाद अगर आप दोबारा काउंसलिंग देते हो और सीट अवेलेबल नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। अगर आपको काउंसलिंग के लिए कोई भी डिटेल चाहिए तो CUCET@CUmail.in पे आप मेल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है, जो एग्जाम है, वो सारा आपको मैंने बता दिया इस वीडियो में डिटेल में। फिर भी कोई डाउट है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। BSc नर्सिंग अभी नया नया कोर्स है तो ज्यादा कुछ इसका पता नहीं है प्लेसमेंट वगैरह का, लेकिन अगर आपको करनी है, कोई और ऑप्शन नहीं मिल रही है, तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, कोई बुरा नहीं है यहाँ से करना, तो आप कर सकते हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों के साथ, चैनल को भी शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो नीचे अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, अपने गुड लक्स दे देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।